नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास खबरें आप सबको बताने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और मिलती रहें वो तमाम सूचनाएं जिनके मार्फत आपको आपकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस मिलना है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से एक विशाल घोष उत्पन्न हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद राय जी और उनके साथियों ने वो घोष किया है कि मोदी की गारंटी है, भुगतान सभी का होना है। बहुत अच्छा नारा दिया है, सुंदर नारा है, उत्तम नारा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके विश्वास की लाज स्वयं नारायण रखेंगे, सरकार की गारंटी है ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको आपके भुगतान की गारंटी दे दी है। नारायण की भी ये गारंटी है, समय की भी गारंटी है कि आप सबका भुगतान अब सुनिश्चित हो चुका है। किसी भी साथी का कोई भी पैसा किसी भी थर्ड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा था और वो उसे वापस नहीं मिला है किसी भी कारण से, तो अब आप सबका पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस मिलना सुनिश्चित हो गया है। इसलिए तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने नजदीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करेंगे। आपके आवेदनों में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को ठीक कराएंगे, उस पर प्रोसीडिंग कराएंगे और अपना भुगतान प्राप्त करेंगे। ये छोटी सी सरल प्रक्रिया है दोस्तों, इसका पालन आप सभी को करना है। सभी से मेरा मतलब उन लोगों से है जिनको भी अपना डूबा हुआ जमा धन वापस लेना है। जैसा कि आप सबको पता है कि 12 मार्च 2024 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने आपके भुगतान की गारंटी दी है, आपके लिए एक भुगतान की गारंटी वाला कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जिसे वर्ड्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम प्रधानमंत्री जी का सार्वजनिक रूप से नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर रहे हैं 12 मार्च 2024 को। आप सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इस आयोजन की तैयारियों के लिए आज हमने दिल्ली में अपने केंद्रीय कार्यालय में अपनी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। तमाम साथियों ने इसमें सहभागिता अपनी निभाई और सभी ने एक स्वर से एक ही आवाज लगाई कि हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और सरकार ने जो हमारे लिए भुगतान की गारंटी का कानून बनाकर हमें भुगतान का अधिकार दिया है उसके लिए हम उनका तहे दिल से कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। सबने इस आयोजन की तैयारियों के लिए अपने तन से मन से धन से भूमिका का निर्वहन करने का वचन दिया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी जिन्होंने इस आयोजन की तैयारियों पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए देने का वचन दिया है, वो आज इस मीटिंग में उपस्थित थे केंद्रीय कार्यालय में। चौधरी विजेंद्र सिंह जी उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोपाल सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उपस्थित थे। साथ में हमारे हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र
प्रसाद गुप्ता जी उपस्थित थे, रविंद्र गुप्ता जी उपस्थित थे, हमारे जिला अध्यक्ष अजय कुमार जी उपस्थित थे, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी उपस्थित थे, हमारे दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश सिंह जी उपस्थित थे और भी कई साथी उपस्थित थे। सबके नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी हमारी कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिलों के पदाधिकारी हैं, जो हमारे तहसीलों के पदाधिकारी हैं और जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हम सब एक निश्चित राशि इस आयोजन की सफलता के लिए सहयोग राशि के रूप में प्रदान करेंगे आयोजन समिति को। जो आयोजन समिति हम बना रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए 1000 साथियों की, वह आयोजन समिति के मेंबरान ही इस पूरे आयोजन को संभालेंगे, व्यवस्था करेंगे और वो सभी साथी 11 मार्च को दिल्ली पधारेंगे। उनके रहने की खाने की व्यवस्था सब संगठन की तरफ से की जाएगी और 12 मार्च को जो अभिनंदन समारोह प्रधानमंत्री जी का हम आयोजित करेंगे, उसमें बतौर वॉलेंटियर्स भी यही आयोजन समिति के मेंबर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इन आयोजन समिति के मेंबर्स को भी सबको एक तो समय देना है, दूसरा आवश्यकता पड़ने पर धन भी देना है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्हें अनुशासन में रहना है। इन 1000 साथियों को ही अब इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभालनी है और भविष्य में भी यही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की पैरोकारी सक्षम अधिकारियों के यहाँ करेंगे, इनके आवेदन कराएंगे, इनका सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सरकार ने हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है और बड़ी तेजी से एक चीज चल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी हैं दोस्तों, 2024 में भी हम सब उन्हें मिलकर के लाएंगे, 480 से के पार लेकर के जाएंगे ताकि वो अपनी गारंटियों को संपूर्ण करते हुए देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराएं और साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करें। हमें तीनों कामों पर दोस्तों तन मन धन से लगना है, दिन रात मेहनत करनी है। सबसे पहले हमें अपने तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराना है, जो भी आवेदन करें व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत। फिर हमें देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना है और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर उनके हाथों को मजबूत करते हुए देश को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। इस संकल्प के साथ हम सब मैदान में उतर रहे हैं, 12 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं सभी। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं दिल्ली की ओर से, अपने संगठन की ओर से पधारिए तमाम साथी। आज इसी कड़ी में पूरे देश भर में हमारे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, राजसमंद में बैठक हुई है राजस्थान में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में बैठक हुई है, आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बैठक हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में बैठक हुई है, तेलंगाना में बैठक हुई है, गुजरात में बैठक हुई है, हरियाणा के तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, उत्तराखंड में बैठक हुई है दोस्तों, और भी तमाम राज्यों में, लगभग 17 राज्यों में हमारा संगठन इस समय है। 17 राज्यों में दो दो चार चार बैठकें हमारे साथियों ने आज 12 मार्च 2024 के आयोजन के लिए की है और आपकी तैयारियों को देखकर मैं तो अभिभूत हूँ, पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि अब हमारा कार्यक्रम भी जोरदार होगा, हमें सफलता भी मिलेगी और हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। जो नारा कौशाम्बी से हमारे आदरणीय अयोध्या प्रसाद जी ने दिया है, उसकी क्लिपिंग भी मैं लास्ट में लगाऊंगा, आप सुनिएगा कितना जबरदस्त नारा है। तो मैं दो ही अनुरोध आप सबसे करूंगा, एक तो 12 मार्च 2024 को
तमाम साथी दिल्ली आएंगे और जो हमारी आयोजन समिति के मेंबर हैं वो 11 मार्च को ही दिल्ली आकर के रिपोर्ट करेंगे। उनकी व्यवस्था की जा रही है सारी। साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक अपने आवेदन भुगतान के नहीं किए हैं बाट सेक्ट के अंतर्गत, वो अपने आवेदन आरंभ कर देंगे। सभी जहां भुगतान काउंटर स्थापित हो चुके हैं वो भुगतान काउंटरों पर जाकर के करेंगे। जहां भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है वहां तमाम साथी अपने अपने भुगतान का आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से अपने जिले के जिलाधिकारी के नाम भेज देंगे ताकि जल्दी से जल्दी इन सब पर प्रक्रिया शुरू हो सके, आपका भुगतान सुनिश्चित हो सके। दोस्तों तो चूंकि आज तो छुट्टी का दिन था, आज तो मैं भी पूरे दिन घर में ही रहा हूँ। सुबह 9 बजे ही साथी आना आरंभ हो गए थे और अभी अभी गए हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सुबह से काफ़ी कुछ बोलना पड़ा है तमाम रणनीतियों के विषय में, योजनाओं के विषय में, कैसे कैसे क्या क्या करना है, तैयारियाँ करनी है। एक बड़े आयोजन की बड़ा आयोजन है, इसकी तैयारियों में आप सब भी अभी से जुट जाएं इस भरोसे के साथ कि 12 मार्च 2024 हमारा भुगतान का अंतिम कार्यक्रम होगा। इस दिन के बाद आपको किसी को कहीं किसी अधिकारी से किसी सरकार से कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक छोटा सा आवेदन भर लेकर के चले जाओगे व्हाट्सएप के अंतर्गत, तो वो आवेदन आपका जमा हो जाएगा, उस पर प्रोसीडिंग होगी और आप सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत साथी। मोदी की गारंटी है भुगतान सभी का होना है। मोदी की गारंटी है भुगतान।